पटाखे की आतिशबाजी में 5 नाबालिग बच्चे झुलसे, 2 रेफर। एक ही परिवार के थे 4 बच्चे, 2 गंभीर रूप से घायल। आनंद फानन में घायल बच्चों को इलाज के लिए पहुंचाए सदर अस्पताल। सदर अस्पताल में उमड़ी भीड़, सूचना मिलने पर पहुंचे थाना प्रभारी। बताया जाता है कि लोकल बम से हुई यह हादसा। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि बम पर किसी भी कंपनी की नहीं लगी है मोहर। आखिर शहर में कौन लाकर बेच रहा है इतनी खतरनाक बम? आप जो तस्वीर में देख पा रहे हैं, बम इसी के फटने से हुई इतनी बड़ी हादसा। खुशी का त्योहार गम में बदलने कौन है जिम्मेदार? हादसे के बाद पूरे मोहल्ले में पसरा सन्नाटा, गम का हुआ माहौल। चतरा शहर के अंसार नगर मोहल्ला में सबे बारात पर किए जा रहे आतिशबाजी में 5 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। 5 बच्चों को आनन फानन में परिजनों ने उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 2 बच्चों को बेहतर उपचार के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, जबकि 2 बच्चों का उपचार सदर अस्पताल में ही किया जा रहा है। वहीं 1 का इलाज आरबी अस्पताल में चल रहा है। दोनों बच्चों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी मनोहर करमाली दलबल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सभी 4 बच्चों एक ही परिवार के थे। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, जिस बम से हादसा हुआ है वह बम पर किसी कंपनी के मोहर नहीं लगे हुए हैं। इससे साफ पता चलता है कि यह कोई लोकल बम है जिससे यह हादसा हुआ है। आखिर यह बम शहर में कहां से आ रहा है? इस हादसे के बाद पूरे मोहल्ला में गम का माहौल है।